इंडिया, मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को जाएंगे वाराणसी। पीएम मोदी के आने से पहले लेंगे तैयारियों का जायजा। किसानों को रोकने के लिए नक्सलियों जैसी रणनीति अपना रही पुलिस। दिल्ली करनाल हाईवे पूरी तरह बंद तो कई जगहों पर खोदी सड़कें। किसानों पर बने कानून के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसानों के प्रदर्शन का दूसरा दिन। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। किसान आंदोलन के चलते गाजियाबाद में दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद। मेट्रो सेवाएं ठप होने से परेशान हुए लोग। कृषि बिल के विरोध का दिखा असर। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में भी किसानों ने हाईवे को किया जाम। मेरठ और उसके आसपास के कई जिलों में भारतीय किसान यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान। किसानों के आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। कृषि बिल को लेकर लगातार किसान केंद्र सरकार को घेरने का कर रही है काम। बिजनौर के भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने सड़क पर जाम लगाकर किया हाईवे बंद। नेशनल हाईवे जाम होने के चलते वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें, सड़क हुई जाम। जगह जगह आने जाने वालों को हो रही है काफी दिक्कत। जालौर में कृषि बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन। धरने पर बैठे किसानों ने झांसी कानपुर NH 27 पर लगाया जाम। तीनों कृषि बिल वापस लेने की कर रहे हैं मांग। कोरोना वैक्सीन के लिए दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में बनेगा पहला स्टोरेज। 3 फ्लोर मिलाकर करीब 7000 से 8000 स्क्वायर मीटर का होगा एरिया। लव जिहाद पर मुरादाबाद के सपा सांसद हसन की अपील। कहा, हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझे, लव में ना पड़े वरना जिहाद समझा जाएगा। आजम खान की एक बार फिर बड़ी मुश्किलें। जल निगम भर्ती घोटाले में दोषी पाए गए पूर्व मंत्री आजम खान। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी और करना होगा इंतजार। अब झारखंड हाई कोर्ट ने 11 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली मुंबई समेत 8 जगहों पर CBI ने ली तलाशी। 9 लाख रुपए समेत जरूरी कागजात बरामद। CBI ने कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ दर्ज किया केस। एक्ट्रेस कंगना की हाई कोर्ट में बड़ी जीत। BMC को देना होगा दफ्तर तोड़ने का हर्जाना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC की कार्रवाई को ठहराया गलत। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे की करीबी उद्योगपति के खिलाफ ED ने शुरू की जांच। मालिकों को पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी। चंदौली में चोरों ने बिल्डिंग व्यवसायी के घर में किया हाथ साफ। छत के रास्ते घुसकर चोरों ने दी घटना को अंजाम। 6 लाख नकदी सहित 10 लाख के कीमती जेवरात लेकर हुए फरार। ललितपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर देर रात मिला एक अज्ञात युवक का शव। हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कन्नौज में प्राइवेट टीचर की हत्या का मामला। घर में हुई हत्या से इलाके में मची सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले में जुटी। मेरठ में मासूम से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में घायल। गिरफ्तार आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी हुआ घायल। गुरुग्राम में एक शादी समारोह में हुआ बड़ा हादसा। शराब के नशे में धुत बरातियों की ओर से की गई फायरिंग। फायरिंग में 5 लोग घायल। घायलों में 4 बच्चियां और 1 महिला शामिल। एटा में शहर के बीचों बीच चोरों ने एक दुकान को बनाया अपना निशाना। दुकान से 4 लाख रुपए की नकदी सहित लगभग 10-12 लाख रुपए का सामान लेकर चोर हुए रफू चक्कर। विधानसभा गदरपुर के गुलभोज डैम के पास एक नाव डूबने से मचा हड़कंप। नाव में बैठे सवारियों के हिलने से नाव अनियंत्रित होकर पलटी। नाव पलटने से एक महिला की डूबकर हुई मौत। रुड़की में डॉक्टर की लापरवाही आई सामने। डिलीवरी कराने आई महिला की डॉक्टर ने निकाली बच्चेदानी। परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी और करना होगा इंतजार। अब झारखंड हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।